हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम स्नेहा द्विवेदी और आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं BCS 012 यस बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि है जून 2020 का। यस इट्स जून 2020, सॉरी गाइस मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, जून 2020 का हम क्वेश्चन पेपर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं और जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आज मैं फाइनली उसकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों को पता होगा कि आज मैं 10 बजने वाले हैं की वीडियो बना रही हूँ, 10 बजे वीडियो बना रही हूँ और आज आप लोगों के लिए 10 बजे लेट्स सी देखिए कितनी सफल होती है ये मेहनत। आई होप सिर्फ ये मेहनत इसलिए करी ताकि आप लोग के काम आए, क्योंकि 9th को आप लोग का है एग्जाम एंड आई डोंट वॉन्ट कि किसी के भी कम मार्क्स आए मेरी वीडियो ना बनने की वजह से। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। फटाफट से अच्छे अच्छे से लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि कितनी हेल्पफुल है ये वीडियोस आप लोगों के लिए। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैटर्न के बारे में। जो हमारा BCS 012 है उसका जो पैटर्न है, जितनी बार अभी तक क्वेश्चन आए सारे रिपीटेड, सेम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मतलब रिपीटेड इन द सेम वैल्यू नहीं होती, कुछ चीजें उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। कंसेप्ट आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस डिजिट चेंज होती है, थोड़ा बहुत वैल्यूज चेंज करने निकाल दिया जाता है, बट अगर आप लोग ने क्वेश्चन पेपर 2 क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लिए ना, तो डेफिनेटली आप पास होने वाले हो, राइट। तो आज मैं अभी बना रही हूँ 2020 का और जो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये उसका ए पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए ए पार्ट में हमें ये दिया है दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है, राइट, कि डिटरमिनेंट दिस है और इसकी वैल्यू क्या है 0। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर बता देती हूँ, ये क्वेश्चन 2014 में सेम आया है। कब आया है? 2014 में सेम क्वेश्चन आया, मे बी उस बीच में भी आया होगा, बट मुझे जो अभी तक ध्यान है, जो मैंने देखा है, वो मुझे पता है 2014 में ये डिट्टो आया और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसको कैसे करना है। अब डोंट वरी, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं 1-2 दिन में पूरा का पूरा कवर कर दूंगी, देन मैं सेकंड क्वेश्चन पे भी आऊंगी, जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। अगर मैं वीडियोस नहीं बना पाती उसके लिए आई एम रियली वेरी 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 सॉरी, उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आई होप आप लोग सब अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं क्यों नहीं बना पाती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0, हमें क्या शो करना है कि इसकी वैल्यू क्या है 0 है। अब देखिए इसकी वैल्यू 0 ये कैसे शो करेंगे, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, राइट। अब हम क्या दिखते हैं, हमें दिख रहा है हमें b-a, c-a, a-b, c-a, मतलब सब एक सिमिलर सी थोड़ी थोड़ी सी वैल्यूज है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी भी दो रो को सॉल्व करें, b-c, किसी भी दो रो को अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें। अब देखिए इसमें मैं लगाऊंगी ऑपरेशंस हमारे 2 तरीके से लगते हैं, या तो कॉलम के अकॉर्डिंग लग जाते हैं या रोज से लग जाते हैं, ठीक है। अब मैं यूज कर रही हूँ, देखिये ये होती है हमारी रोज R1, R2 और R3, ये होता है हमारा कॉलम गाइस, ये कॉलम होता है ऐसे वाला, राइट, और रोज क्या होती है ऐसे, ये रोज होती है। अब हमें यहाँ पे क्या किया है, हम क्या करेंगे अगर हम इसमें कर दें R1 tends to, देखिए जिस रो में हमें चेंजेस चाहिए, क्या जिस रो में हमें चेंजेस चाहिए वो रो हम यहाँ लिखेंगे, राइट। मुझे चाहिए रो 1 में चेंज, मैं यहाँ पे रो 1 लिखूंगी और इस एरो को कहते हैं tends to। अब जो रो यहाँ ली है वही यहाँ पे आएगी, राइट। अब R1 में मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ R1 में अगर R2 ऐड कर दू या फिर R3 ऐड कर दू, वॉट एवर कोई भी एक चीज ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ये ऐड करती हूँ दिस वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये ऐड कर दूंगी सी सी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा b-a बचेगा, क्या बचेगा गाइस b-a बचेगा, तो b-a है और b-a एक जैसा सा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करने जा रही हूँ R1 में R2 को ऐड कर दूंगी। समझ में आया, मैंने क्या किया रो 1 को रो 2 ऐड कर दिया, रो 1 और रो 2 को ऐड कर दिया, बट चेंजेस मुझे कहाँ चाहिए, रो 2 में चाहिए रो 1 में चाहिए, मुझे चाहिए रो 1 में, तो अगर मुझे रो 1 में चाहिए तो यहाँ पे आएगा रो 1, रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको हम यहाँ पे
इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। समझ आया, ये ऐड हो गया। अब ऐसे यहां पे सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। नाउ अब इधर देखिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि ऑपरेशन हमने किस में लगाया, आर वन में लगाया है, बाकी सब सारी रो सेम रहेंगी, सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी, ऐसे ही ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब देखें क्या होगा, ये कैंसल आउट हो गया, क्या बचा बी माइनस ए, ए से ए कैंसल आउट हो गया, क्या बचा सी माइनस बी, बी से बी कैंसल आउट हो गया, क्या बचा ए माइनस सी। अभी एज इट इज सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी माइनस ए, राइट। ये आप लोगों को समझ आके क्या हुआ। नाउ लेट्स सी, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए ए माइनस में है और यहाँ ए प्लस में है, यहाँ क्या है बी प्लस में है और बी माइनस में, क्या है सिर्फ साइंस का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है साइन का, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम दोनों में से किसी एक में माइनस को ले लेंगे कॉमन, या फिर दोनों में हम माइनस को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, एक रो में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर माइनस ले लेंगे कॉमन। तो देखिए अगर यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचा हमारा गाइस, माइनस बी प्लस ए, राइट। ये यहां पे भी ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस सी प्लस बी, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जैसे हम कॉमन लेंगे अंदर की जो वैल्यूज है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, एज इट इज यहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो गया तो क्या हो गया ये माइनस ए प्लस सी, ए प्लस में था तो ए माइनस में हो गया, सी माइनस में था तो सी प्लस में, बाकी सब सेम रहेगा, सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सॉरी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। समझ में आ गया आपको यहां तक क्या किया। अब मैं बाकी का स्टेप थोड़ा सा यहां समझाने वाली हूं। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पे क्या हो गया माइनस कॉमन ले लिया, हम माइनस ले लेंगे बाहर, ठीक है, माइनस क्या हो गया क्योंकि तीनों रोज में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, बाकी सब सेम, सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये रो और ये रो दोनों सिमिलर है, क्या दिख रहा है गाइस, आर वन और आर थ्री दोनों सेम है, आर वन और आर थ्री दोनों क्या है गाइस सेम है। जब हमारी दो रो सेम आ जाती है, वेन टू रोज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, आर आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट विल बी जीरो, देन द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस जीरो, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया जीरो। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब दो रोज आइडेंटिकल होते हैं मींस इक्वल होती है तो हमारे जो डिटरमिनेंट आती है उसकी वैल्यू क्या आती है गाइस जीरो हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। आई होप समझ में आया हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें ऑपरेशन लगाया आर वन प्लस आर टू, आप चाहे तो कोई जरूरी नहीं है आर वन और आर टू, आर वन प्लस आर थ्री भी कर सकते हैं, राइट, या फिर आर टू प्लस आर थ्री भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। फिर हमने उसमें से कैंसल आउट कर दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है जो कि जीरो हो जाता है, तो ये हमारी वैल्यूज बची। हमने देखा ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, बस क्या डिफरेंस है माइनस का, यहाँ पे ए माइनस में है वहां ए प्लस में है, वहां बी माइनस में है तो वहां बी प्लस में, ये डिफरेंस है।
तो हमने क्या ले लिया, किसी एक की वैल्यू के लिए हमने माइनस को ले लिया कॉमन। तो जैसे ही माइनस कॉमन हुआ तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, इनके साइन चेंज हो गए एज इट इज यहाँ पे, एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें करते हुए फिर हमने तीनों के माइनस, तो ये तीनों का माइनस बाहर आ गया। ठीक, अब ये देखिए हमें दिख गया कि दोनों रोज आइडेंटिकल है, देन द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। आई होप आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी हेल्पफुल है या कैसी लग रही है। दूसरी बात, अगर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं ये चीज है तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट, और शेयर करिए ताकि और लोगों तक वीडियोस पहुंचे। ताकि थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग, आप लोगों को ना किसी भी वीडियो, मैंने और भी, अगर जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता देती हूं मैं कि इससे रिलेटेड, मतलब ये BC012 से रिलेटेड मेरी और भी वीडियोस पड़ी हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग।